जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने तो एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं, क्योंकि लंबे समय से जो है वो महेंद्र सिंह धोनी को लोग जो है वो कोच के विकल्प में देखना चाह रहे थे। तो देखो जो बात है कि गौतम गंभीर एक अच्छे कोच के विकल्प हैं और एक अच्छा कोचिंग गौतम गंभीर कर सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर भी एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन लोग महेंद्र सिंह धोनी को एक समय टीम इंडिया का कोच देखना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो टीम इंडिया के लिए कोचिंग करें, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो जब कैप्टन थे तब उन्होंने टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ अचीव करा, तो कोच रहेंगे तो किस प्रकार से टीम इंडिया को सिखा पाएंगे। जब रवि शास्त्री कोच थे तो रवि शास्त्री ने काफी अच्छा कोच किया, काफी अच्छा कोचिंग किया, और आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार उनका कोचिंग रहा। उसके बाद राहुल द्रविड़ बने, राहुल द्रविड़ ने भी काफी अच्छी अपनी भूमिका निभाई, बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के साथ उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद गौतम गंभीर बने। देखो अगला जो कोच होंगे वो महेंद्र सिंह धोनी ही बनेंगे, ठीक है, काफी सारे चांसेस है कि महेंद्र सिंह धोनी ही अगला कोच बने, और अभी गौतम गंभीर को मौका मिला है, तो गौतम गंभीर का जितना जो पीरियड है जब तक ये कोच करेंगे टीम इंडिया के लिए तो काफी अच्छा करेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर जो है ये भी जब कोलकाता नाइट राइडर के लिए उन्होंने कोचिंग करा तो काफी अच्छा कोचिंग करा, जब टीम इंडिया के लिए खेलते थे तो काफी अच्छा खेले, और इनके पास भी जो माइंडसेट है वो काफी अच्छा इनका माइंडसेट रहता है, काफी अच्छा माइंडसेट रहता है, तो उसी प्रकार से गौतम गंभीर जो है ये भी टीम इंडिया को बहुत ही ऊपर लेकर के जाएंगे। तो लेकिन अगला जो कोच बनेंगे टीम इंडिया के गौतम गंभीर के बाद वो आपको महेंद्र सिंह धोनी ही देखने को मिलेंगे, महेंद्र सिंह धोनी ही अगला कोच आप लोग कह सकते हैं टीम इंडिया के जो होंगे वो महेंद्र सिंह धोनी होंगे।